हेलो गाइस, वेलकम टू भारत फूड फन। मैं हूँ सीमा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कच्चे मक्के से बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा रेसिपी। इस रेसिपी के लिए थोड़े से छिले हुए कच्चे मक्के के दाने लेंगे। मक्के के दाने को मिक्सर जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। मक्के को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अगर पीसते समय ये सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। पीसे हुए मक्के को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज का एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्के में अच्छा खासा नमी है तो हमें इसे मिलाते वक्त पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हथेली पर थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और उसे चपटा करके वड़ा का शेप देंगे। तेल को मीडियम गर्म करेंगे और इसे तलने के लिए डालेंगे। इसे पलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी को भी ऐसे ही तल लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।